मैं 4 साल की जब थी तब से मैंने नृत्य सीखना शुरू किया था। मैं हेमा मालिनी जी का मैंने डांस सीखा था, तो मुझे पता नहीं था कौन सा डांस है, पर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे भी डांस सीखना है। तो मैंने पहले शुरू में तो 3 साल भरतनाट्यम सीखा, फिर 1 साल मणिपुरी सीखा, बट नॉर्थ इंडिया में उसका स्कोप आगे था नहीं। फिर मैंने कथक सीखना शुरू किया, तो लगभग 12-13 साल मैंने 5th ईयर तक लिया है। आगे उम्मीद है कि आगे भी करूँगी प्रभा करो ट्रेनिंग कथक। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। सब देखा होगा अपने बच्चों के आसपास में, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं रहता है और हम बहुत खुश भी नहीं रहते। लेकिन कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी खेल करें या क्रिकेट खेलें, बास्केटबॉल खेलें, डांस करें, म्यूजिक करें, तो उससे पढ़ाई और अच्छे से हो जाती है। और ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि हम इसमें अगर अच्छी हमारी रुचि है तो इसमें भी हम अच्छा करियर बना सकते हैं। और शास्त्रीय नृत्य तो ऐसी चीज़ है कि हमारे भारतीय संस्कृति को भी प्रमोट करती है, तो मुझे इससे बहुत मदद मिली। इनफैक्ट UPSC में एक टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसी कारण, क्योंकि मैंने कथक सीखा हुआ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी कंट्री को अगर आपका प्रोग्रेस मेजर करना है तो उसकी महिलाओं का प्रोग्रेस देखकर मेजर करना है। तो अगर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं तो हमारी कंट्री का एक तरह से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए। जैसे आंदोलन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटियां इसी तरह सशक्त होंगी जब वो हर फील्ड में आगे बढ़े। सबसे पहले इकोनॉमिकली एम्पावर हो और फिर बाकी सोशली एम्पावर हो।